नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल न्यूज़, आपकी आवाज़। एडीजी बरेली जॉन राजकुमार और जिलाधिकारी बिजनौर श्री उमेश मिश्रा ने आज विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 को स्वतंत्र, निष्पक्ष, भयमुक्त और सुरक्षित रूप से संपन्न कराने के लिए कलेक्ट्रेट स्थित विधानसभावार नामांकन केंद्रों का निरीक्षण किया और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस अवसर पर उन्होंने निर्देश दिए कि संपूर्ण प्रक्रिया कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ संपन्न कराएं और कोई भी अनावश्यक व्यक्ति सुरक्षा चक्र को तोड़कर अंदर न आने पाए। उन्होंने निर्देश दिए कि नामांकन कराने के लिए आने वाले प्रत्याशियों को बैरियर पर रोकें और कलेक्ट्रेट द्वार से नामांकन स्थल तक प्रत्याशी के साथ केवल दो ही व्यक्ति प्रवेश करें। उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुपालन में संपन्न कराएं ताकि किसी त्रुटि की कोई संभावना रहने न पाए। उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि पूरी चुनाव प्रक्रिया के दौरान सभी पुलिस अधिकारी और कर्मचारी कोविड प्रोटोकॉल्स का 100% रूप से पालन सुनिश्चित करें ताकि वे स्वयं भी कोरोना संक्रमण से सुरक्षित रह सकें। जिलाधिकारी बिजनौर श्री मिश्रा द्वारा आज इस अवसर पर एडीजी को आश्वस्त करते हुए कहा गया कि सभी विधानसभाओं के नामांकन कक्षों में आयोग के निर्देशों के अनुपालन में ही कार्य कराए जा रहे हैं और सुरक्षा के सभी मानकों को दृष्टिगत रखते हुए कार्रवाई की गई है। एडीजी राजकुमार निरीक्षण से पूर्व कार्यों और कोरोना की तैयारियों की समीक्षा में लगे। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को जिले में कड़ाई के साथ आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर धर्मवीर सिंह, अपर जिलाधिकारी प्रशासन विनय कुमार सिंह, एएसपी सिटी डॉक्टर प्रवीण रंजन, एसपी देहात राम अर्ज, एएसपी पूर्वी ओमवीर सिंह, सीओ सिटी कुलदीप गुप्ता, सीओ नगीना सुमित शुक्ला आदि मौजूद रहे। कल मैं आगमन किया था और यहाँ पर चुनाव को लेकर के जो भी तैयारियाँ हैं उसकी समीक्षा की गई। कल सभी थाना अध्यक्ष लेवल से वार्ता की गई तो यहाँ पर चुनाव की तैयारियाँ को काफ़ी अच्छा स्तर काम पर आप बता सकते हैं। निर्वाचन कार्रवाई काफ़ी संख्या में हुई है और जो गांव का भ्रमण सभी थाना अध्यक्षों ने प्रत्येक मतदान केंद्र का भ्रमण कर लिया है और जो संवेदनशील मतदान केंद्र हैं और जो वल्नरेबल एरियाज हैं उनका चिन्हांकन भी किया जा चुका है और ऐसे लोग जो मतदान के समय गड़बड़ी कर सकते हैं उनको चिन्हित करके उनके विरुद्ध प्रभावी निर्देशात्मक कार्रवाई की जा सकती है। जो भारतीय निर्वाचन आयोग के जो दिशा निर्देश हैं, जो गाइडलाइंस हैं और कोविड को लेकर के जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उन सभी निर्देशों का कड़ाई से पालन करते हुए निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव बिजनौर में संपादित कराया जाएगा।